अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। अच्छा जी, आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 चल रही है हमारी, उसके हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो के हम क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिए थे, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैट्रिक्स यहाँ तीन दी हुई, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, तीसरा मैट्रिक्स ये है और चौथा मैट्रिक्स ये है जो कि इक्वल टू के बाद है और उसके ऊपर टी लगा हुआ है, यानी कि ये ट्रांसपोज होगा। सॉल्यूशन के हेडिंग प्लेस करेंगे। अब हमें ये देखना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि रॉ एक की रॉ दूसरे के कॉलम से इक्वल है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं ये दे देता हूँ, अब जैसे कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ देख के ये बता दें, देख ये देखें मैट्रिक्स के अंदर कि कितनी रॉस है, कितने कॉलम्स है। पहले मैट्रिक्स कितना कितना है उसका, ये 2x2 का मैट्रिक्स यानी कि दो रॉस है और दो कॉलम्स है, और यहाँ पे कितना आपके पास, यानी कि तीन रॉस है, सॉरी दो रॉस है और तीन कॉलम्स है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा और इसका एक हिस्सा मैच हो गया, तो यानी कि आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दो रॉ दो कॉलम की बात हो रही है हमें। अगर यहाँ के अगर हम बात ये करते हैं कि इसकी दो रॉ है और इसकी दो कॉलम से इसके दो रॉस है, ये भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन तरीकेकार क्या है, क्या आप पहले इन दोनों के मैट ऑर्डर पेयर देख लें, ऑर्डर पेयर के जो सेम नंबर आपके पास, अगर आप समझ जाओ मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है जी। तो यानी कि पहले मैट्रिक्स के अंदर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। किस तरह करेंगे कि रॉ और कॉलम से क्या होगी मल्टीप्लाई, यानी कि -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी मैंने यहाँ लिख दी है। संडे प्लस साइन आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, फिर ठीक है एक रो हमारे पास कम्प्लीट, एक कॉलम हमारे पास कम्प्लीट हो गया। फिर दूसरी कॉलम से करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय x, ये वैल्यू आ गई। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वैल्यू आ गई। सेंटर में प्लस साइन लाजमी आएगी। इसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वैल्यू आ गई है, और 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये वैल्यू आ गई। सेंटर में प्लस साइन लाजमी आएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक रो कम्प्लीट हो गया, सेकेंड रो के ऊपर आएंगे। सेकेंड रो में क्या कह रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वैल्यू ये रही, प्लस साइन -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैल्यू ये रही, ठीक है जी। इसी के साथ ही थोड़ा सा स्पेस देंगे, ये जो आपको जगह नजर आ रही है ये स्पेस की जगह है। तो अब यहाँ पे आप तरीके का ये कि थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, तकरीबन आप इतने इतना भी स्पेस अगर आप दे दें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय x, इसके बाद आपके पास आ जाएगी वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है जी, ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। और इनटू ये जो पॉइंट आपके पास यहाँ नजर आ रहा होगा, ये इसका मतलब होता है इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई करना। तो -3 1 और 0, तो ये क्या है आपके पास, एक कॉलम में तीन रॉस है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाइए, इसको भी साथ उतार लीजिए नीचे, ये मैंने उतार लिया। और इस टी का मतलब क्या है, आप ट्रांसपोज करना, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करना है, तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए हाथ की आधी, ताकि आपको आगे कोई मुश्किल ना हो। तो इसलिए मैंने रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अच्छा जी, 2 2 -2 1 2 आ जाएगा, 2 3 6 आ गया। इसी तरीके से -2x मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 12 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 10 -5 -10 प्लस साइन 3x को दिया, 3x आ जाएगा, ठीक है जी। 4 1 4 प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 4x प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 आ गया, 4 5 20 प्लस माइनस माइनस, x 1 x आ गया। और ये मैट्रिक्स नीचे, ये दोनों मैट्रिक्स आपके जो है नीचे उतर जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, ठीक है जी। अब जो इसमें सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि -2 प्लस 6 सॉल्व करें 4 आ जाएगा, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, 4 माइनस 2 2 आ गया, ये भी एज इट इज आएगा, और ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, यानी कि इक्वल से मुराद क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किस तरह हो रहा है, अब आपके पास यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, यानी कि रॉ कॉलम देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसकी रॉ को देख लीजिए, एक दो रॉस है आपके पास ना, यानी कि दो रॉस है और तीन कॉलम्स है, सही है जी, ये मेरे पेयर बना दिया। और यहाँ पे क्या बात कह रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है एक कॉलम है और तीन रॉस है, यानी कि ये चीज और ये चीज हमारे पास सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा जी, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 आएगा, सॉरी मैंने 3 2 लिख दिया, -3 आएगा,
है जी। अच्छा, 4 बटे -3 आ जाएगा, यानी कि ये पूरी रॉ इस कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और ये पूरी चीज इस पूरे इस वन से मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली चीज इस बस ये -10 + 3 x इस 0 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी रॉ को करेंगे, दूसरी रॉ भी पूरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 2 बटे -3 और 4x - 4 = 1 × 1 20 - x = 0। अच्छा, ये दो वैल्यूज जो आपके पास नजर आ रही है, ये वाली दो वैल्यूज जैसे पता मल्टीप्लाई होनी तो 0 हो जाएंगी, तो मैंने 0 यहाँ लिख दिया। 4 बटे -3 - 12 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x + 12 नीचे एड्रेस ऐसे आ जाएगा, तो ये जब वैल्यू 0 होनी तो 0 हो जाएंगी। अच्छा जी, ये हो जाएगा 2 बटे -3 - 6 हो जाएगा, ये वाली एड्रेस ऐसे आ गई, और ये ट्रांसपोज जो है आपके पास ऑटोमेटिकली नीचे कॉपी होता आ रहा है। अच्छा जी, माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी, -6 और -4 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सही है जी। जब आपके -12 - +12 कैंसिल कर, हमारे पास क्या बचेगा वैल्यू, -2x बचेगी। दूसरी वाली आपके पास क्या बनेगी, नीचे रॉ के अंदर -6 + 4 आपके पास 10 बन जाएगा, तो 4x - 10 = हमें। अभी इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि a11 के बराबर है, a12 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो मैंने यहाँ पे x की फाइंड आउट कर ली है, तो -2x को 2 के बराबर रखेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगी -x भी आपका -1 आ जाएगी, -4x - 10 = -14 के, ये माइनस का 10 है, वहां पर जब उसकी रिप्लेस करेंगे तो वो प्लस का 10 हो जाएगा, तो -14 + 10 = 4, ठीक है, -4, तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपका आंसर क्या रहा है, माइनस एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, तो दोनों की जो वैल्यूज आपको सेम आ रही है, आप इसको क्या करें एक बार लिख दें सॉल्यूशन सेट, आपके पास क्या बन जाएगा -x, तो ये क्या है इसका आंसर है। तो इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड x y एंड z एंड v वैल्यू सो दैट, आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं उसके अंदर, आपको आपको उसमें से जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू और z की यानी v की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है जी। तो आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 × 4x + y z + v 3 बराबर है 3 × ये पूरा मैट्रिक्स है x + y z v x 6 - 1 2 b, अच्छा सेंटर में प्लस साइन भी है, तो आप करें ये इसका सॉल्यूशन, ये हेडिंग प्लस करें 4x + y z + v 3 आ गया, ठीक है बराबर है। अब ये 3 जो है इस पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये रहेगा 3x 3y 3z और 3b, ठीक है जी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी, प्लस साइन x 6 - 1 2 b, सही है जी। अब ये मैट्रिक्स आप एसेट ऐसे ही रहने दें, ये जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास, अभी जो दो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है ये वाला और ये वाला, इनको आपस में प्लस करा दें, यानी कि a11 से प्लस होगा, a11 से a12 से प्लस होगा, तो 4 × x + y z + v 3 आ जाएगा, ठीक है जी बराबर हो जाएगा। अच्छा 3x से प्लस होगा, 3x + x 3y + 6 3z + -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 3v + 2v, ठीक है जी, मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। अच्छा जी 4x + y z + v 3 बराबर हो जाएगा 4x 3y + 6 3z - 1 3v, ये हो जाएगा आपके पास 5v, सही है जी 5v आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या इक्वल आ रही है, इक्वल से मुराद क्या, यानी a11 के बराबर है, a12 के बराबर है, तो आप करें क्या इसके अंदर एक हिस्सा यू कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए, 4 बराबर है 4x के, ये पहली इक्वेशन हो गई, x + y बराबर है 3x, ठीक है जी, x + y बराबर है 3y + 6 के, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो चुकी है, z + v
जेड प्लस भी बराबर है 3z-1 के, ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। और आपके पास चौथी जो इक्वेशन आपके पास आ रही है 3 बराबर है 5b, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, चौथी इक्वेशन हो गई। अच्छा देखिए, चौथी और पहली इक्वेशन और आपके पास क्या है, पहली इक्वेशन और पांचवी इक्वेशन एज इट इज ऐसी ही आ रही है, कैसे आ रही है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहां से आप एक्स क्यूब फाइंड आउट करें एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स क्यूब आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है नहीं। इसी के साथ अगर आप इक्वेशन नंबर 4 मालूम करें, सॉरी एक काम करिए, 2 मालूम कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर आएगा 3y+6 के, सही है नहीं। तो एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है, प्लस वाई इक्वल टू 3y+6। नंबर्स को सरफ ले जाए और वेरिएबल को सरफ ले जाए, 1 - 6 बराबर आएगा 3y-y के, ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 2y, आपके पास y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी, ठीक है नहीं। ये सब यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, z प्लस v बराबर है 3z-1 के। अच्छा v हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली v भी हम निकाल लेते हैं, तो v मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, v के लिए आपके पास क्या आ जाएगी, v इक्वल टू 3/5, ठीक है, v डायरेक्ट हमारे पास निकल जाए, पहले से निकाल दिया मैंने। अब v आपके पास यहाँ पे मौजूद है, v क्या है हमारे पास 3/5, यहाँ का वहां पे पुट कर दीजिए, तो उसको पहले क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, नंबर उस तरफ लिया और उसको उस तरफ ले जाए, तो ये हो जाएगा प्लस बी प्लस 1v बराबर हो जाएगा 3z-z के। अच्छा जी, 1 + 3/5 इक्वल टू 2z, ठीक है जी, ये हो आपके पास हो जाएगी 5 × 5 = 5, 3/5 इक्वल टू 2z, 8/5 बराबर हो जाएगा 2z के, ठीक है ना। अच्छा जी, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, 8/5 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 4, और ये z के बराबर, तो z इक्वल टू 4/5 वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अच्छा, x आपके पास किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, वह आपके पास 5/2 के -5/2 के बराबर आया, z आपकी वैल्यू आ चुकी है 4/5 के, और v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3/5 के बराबर, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कि अब ये 3/1 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि ये वैल्यू क्या बन गया हमारे पास, 3/1 और ये 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि एक इसकी वैल्यू बन रही, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है 3/3 का और ये 1/3 का मैट्रिक्स है, तो ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है इन तीनों के अंदर। तो आपको करना सिर्फ इसके अंदर ये है, इन सब के अंदर, कि आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और इसके अंदर ये करना है कि इसके अंदर सिर्फ परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन को क्या करना, परफॉर्म करना, तो सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि एक्स जो इस ए से मल्टीप्लाई होगा, सभी एडिमिलेस कर लेते हैं, ए एक्स हो जाएगा प्लस साइन वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, जी से, ठीक है, साइन प्लस साइन लाजमी आएगी, ठीक है जी। ये आपके पास एक चीज कंप्लीट हो गई, यानी कि आपने इससे कंप्लीट कर दिया, अब दूसरा इससे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगा एक्स एच, और ये हो जाएगा प्लस साइन वाई बी प्लस साइन जेड एफ हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इसी के साथ ही एक और चलेगी लाइन हमारे पास एक्स जी प्लस साइन और वाई एफ प्लस साइन और जेड सी प्लस साइन, ठीक है, जिसको आप मैट्रिक्स में ओपन कर दीजिए, और ये एक मैट्रिक्स यहाँ पे खुल जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड। अच्छा जी, अब यहाँ पे सीन ये है कि ऐसी बात है, एक रॉ है और एक कॉलम है, ठीक है ना, ये अभी 1/1 का मैट्रिक्स आपके पास बन चुका है, यानी कि एक कॉलम है, एक रॉ है और एक कॉलम है, तो यहाँ पर भी क्या है, 1/1 का मैट्रिक्स चल रहा है पास, एक रॉ एक कॉलम। तो आप करें क्या, ये पूरा मैट्रिक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा मैट्रिक्स इस वाई से मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा मैट्रिक्स इस जेड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। यानी कि हमें अलग अलग मैट्रिक्स को अलग अलग नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना,
तो क्या करेंगे आप, ई एक्स इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई एच प्लस जेड जी प्लस साइन आएंगे सेंटर के अंदर, प्लस जैसे वाले आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो गए तो सेंटर प्लस साइन लाजमी आएगी। अब ये वैल्यू वाई से हो जाएगी, वाई इंटू एक्स प्लस एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ प्लस साइन, ये पूरी वैल्यू जेड से मल्टीप्लाई होगी, जेड इंटू एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी, और ये मैट्रिक्स क्लोज। अब ये सारी वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स वाई, अच्छा जी प्लस जी एक्स जेड प्लस साइन, ये हो जाएगा आपके पास एच एक्स वाई प्लस साइन वाई स्क्वायर भी प्लस साइन, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी एफ वाई जेड, ठीक है जी, जी एक्स जेड अच्छा जी प्लस साइन एफ वाई जेड प्लस साइन जेड स्क्वायर सी, ठीक है जी, हमने मैट्रिक्स के में क्लोज कर दिया। अच्छा जी आप स्क्वायर के टर्म को अलग कर दीजिए, जैसे कि ये वाली टर्म आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का सी डी स्क्वायर आपने अलग कर दिया। अब जो सेम वैल्यूज है उनको आप अलग कर दीजिए, जैसे कि एक्स एच एक्स वाई एक्स वाई कितना है दो मरतबा, तो प्लस टू एक्स एक्स वाई, इसी तरीके से आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आ रही है जी एक्स जेड, ये भी जी एक्स जेड आ गया, तो प्लस टू जी एक्स जेड आ गया प्लस साइन, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ कहाँ चले गया भाई, ये रही वाई प्लस वाई एफ वाई जेड एफ वाई जेड, ये तो टू एफ वाई जेड हो गया। इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करें। अब जो आपसे बात करने जा रहे हैं हम, यानी जो मैं आपसे बात करूंगा वो कुछ इस तरह करेंगे। अब जैसे कि हमने अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 का ये जो पार्ट था पहला पार्ट था, ठीक है जी, इसका दूसरा पार्ट आप लोग खुद करें सेम इसी तरीके से होगा, तरीकेकार पूरा सेम वही है, ठीक है जी, वही तीन मैट्रिक्स दिए हैं। अब मजे की बात इसमें क्या है, आसानी है कि आपको तीनों जो मैट्रिक्स आपको दिए ना वो 2x2 के मैट्रिक्स दिए हैं, जो आप बुक को ओपन करके देखेंगे पेज नंबर 102 है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से करेंगे, काफी इजी है, प्रूफ दैट के सवाल आपसे हो जाएंगे शायद। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके पास मौजूद है, ठीक है जी, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा पार्ट आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क करना है, जो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन 15 में क्या क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस का 4 है माइनस 5 है बराबर है माइनस फाइव आई बराबर है ओके, यानी ओ का मैट्रिक्स आप क्या रखोगे, तीनों मैट्रिक्स आप क्या रख दोगे 0 0 के बराबर रख दोगे, और इसका जो मैट्रिक्स आपके पास बना हुआ है उसका ऑर्डर क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है आपके पास, तो क्या करोगे ए स्क्वायर, तो आप ए से ए को दो मरतबा मल्टीप्लाई करा दो, 3x3 का मैट्रिक्स ही आपको दिया हुआ है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा ये आपको सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 16, काफी इजी है कोई मुश्किल नहीं है, 16 में क्या कह रहा है कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर इसका आंसर निकाल दीजिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा था कि आपको मैट्रिक्स दिए हुए एक्स और वाई और दोनों का प्रूफ करना है कि एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज क्या आपस में इक्वल आएंगी, और मजे की बात आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका उसका जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आ जाए यार जल्दी सारा पेज काम चले गया, हाँ उसका जो मैट्रिक्स 3x3 दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपके पास उसमें भी आपको शो डेट वाले सवाल दिए हुए हैं, ठीक है जी, तो भी आपसे आसानी से हो जाएंगे। अच्छा अब बात रही क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 मैं ये सोच रहा हूँ कि करा दूँ, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा, ठीक है, इजी है कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, अगर आपसे हो सके तो कर लीजिएगा, वरना मैं इंशाल्लाह की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं है। तो इसी के साथ ही आपको तकरीबन कितने सवाल करने हैं, 14, 15, 16 एंड 17 ये आपको सवाल करने हैं, ठीक है जी, तो इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं।
अगर आपको इन सवालात के अंदर इस एक्सरसाइज में कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। और कोई भी मुश्किल होती है आपका भाई यहाँ पे हाजिर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा दिन स्टूडेंट्स में चैनल सब्सक्राइब नहीं करा लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक थम्स अप लाजमी है एक वीडियो एक, ठीक है जी, और लाइक भी करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।